हेलो मेरे टीट नियमित बीपीएससी चयनित शिक्षक साथी शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और भाव को अभिनंदन। टुडे न्यूज में स्वागत है। मैं आपके पास लाइव हूं और फ्रेंड्स खबरों की शुरुआत करेंगे। टॉप 10 बड़ी न्यूज जो आज के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हो गया सोमवार और आज से वेतन भुगतान होंगे शुरू, उस पर बात करेंगे। इससे पहले कि आइए एक नज़र दौड़ा लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके लिए खबरें आ रही है। आपको खबरें जो है दोपहर 12 बजे तक ही विद्यालय चलेंगे, यानी 7 से 12 बजे तक आपके विद्यालय चलेंगे। ये न्यूज फाइनल लग गया मोहर। दूसरी न्यूज की ओर चलते हैं कि विशेष शिक्षकों ने नए सिरे से नियुक्ति पत्र, जब फरमान किया गया कि नए सिरे से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, तब से लेकर के अब तक शिक्षकों में जो है कुछ अब उफ़ की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। तीसरी न्यूज की ओर रुख करते हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में अपेक्षित संशोधन आवश्यक है। जी हाँ, यह मांग किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन भी किया जाना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि च्वाइस जिला मिला है, उसके बाद भी यह मांग किया जा रहा है कि विद्यालय जो है नज़दीकी मिलना चाहिए, ताकि वे माता पिता की अपनी सेवा कर पाए, यानी 10 से लेकर के 20 किलोमीटर के अंदर ही उसका विद्यालय निर्धारित हो, इसको लेकर के शिक्षक संघों ने मांग किया है। आगे बात करें, सेवानिवृत्ति हुई एचएम की, विदाई सम्मान समारोह हुआ। वहीं अगर बात करें हम वेतन और एरियर को लेकर के, तो आप जानते हैं कि आवंटन आपका जिला में प्राप्त हो चुका है, और प्राप्त होने के बाद भी अगर वेतन भुगतान आज से प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो एक बड़ी बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि 4 जून को काउंटिंग है और सरकार की जो काउंटडाउन है वो शुरू है। सरकार बनेगी, जाएगी, रहेगी, ये समय बताएगा, लेकिन उसमें शिक्षक और अधिकारी लगे रहेंगे। इसलिए आज से जो वेतन भुगतान है वो शुरू होने की तो कंडीशन में है, लेकिन संभावनाएं इसकी बड़ी कम लगती है। और आप भी जानते हैं कि चुनाव कार्य के अंजाम देने में सभी जो भी अधिकारी रहते हैं, शिक्षा के अधिकारी रहते हैं, वे सभी ड्यूटी पर इसमें मौजूद रहेंगे। तो हमारे जो रिपोर्टर्स है वे बताते हैं कि संभावना है कि अभी एक वीक लगभग लग जाए आपकी वेतन भुगतान प्रक्रिया में, लेकिन आज से वेतन भुगतान शुरू करने का उसे अथराइज है और वो शुरू कर सकते हैं। तो संभावना ये भी है कि आज कुछ जिला कुछ प्रखंडों में वेतन भुगतान कर दिया जाए। और एरियर को लेकर के एक अपडेट आपको बता दें, एरियर भुगतान भी होगा। आपके DPO DO साहब अगर मेहमान रहते हैं तो आपका एरियर भुगतान भी निश्चित ही होगा। आगे हम बात करें, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डाटा एंट्री से बनेगा जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ, आपके ई शिक्षा कोष ऐप पर अगर डाटा बच्चों का एंट्री हो जाता है तो आपके विद्यालय पर ही उनका आधार कार्ड बनेगा। तीसरे चरण के शिक्षक बहाली की परीक्षा 27 जून से संभव है, जिसमें प्राथमिक, मध्य और हाई स्कूल के परीक्षाएं इसमें आयोजित की जानी है। तो 27 जून के लिए आप रहे रेडी, और साथ ही साथ सक्षमता 2.0 के लिए भी रहे रेडी। ये एक बड़ी बात है, और वेबसाइट पर हम लोग की नज़रें है कि अगर 2.0 खुलती है तो निश्चित ही इसमें अप्लाई करने के योग्य होंगे जो अब तक उसमें अप्लाई नहीं किए हैं। आइए बात करते हैं, खींचातानी में अतिथि शिक्षक है परेशान। जी हाँ, अतिथि शिक्षकों की प्रायोरिटी को लेकर के जो है उच्च न्यायालय ने BPSC TRE 3.0 पर रोक भी लगा दी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि उसे प्रायोरिटी देना चाहिए। वहीं बात करें, सरकारी कर्मी बतौर अधिकार प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकता है, ये भी खबरें हैं। विशिष्ट शिक्षक को अब नए सिरे से नियुक्ति पत्र को लेकर पुनः शुरू हो गया है। क्या पेमेंट गिरेंगे, क्या प्रोन्नति का नाम लाभ नहीं मिलेंगे, इतने वर्षों से हमने सेवा की है, काफ़ी कुछ डाटा है जो सरकार ने क्लियर नहीं किया है, और इस स्थिति को लेकर शिक्षक भी नाराज है और रहना भी चाहिए। आगे बताते चले फ्रेंड, के पाठक 30 जून तक छुट्टी पर रहेंगे, सिद्धार्थ को मिली शिक्षा विभाग की कमान, यानी टाइगर अभी जिंदा है Part 3। यानी के पाठक 2 बार छुट्टी पर गए, जब ही कुछ आपका जानते हैं कि कुछ नया करते हैं उसके बाद हंगामा शुरू होता है, उसके बाद वो छुट्टी पर चले जाते हैं, और इस बार भी छुट्टी पर चले गए हैं। दोपहर 12 बजे तक विद्यालय में रहेंगे शिक्षक, 1.5 घंटे की छूट, इससे खबरें आई है। क्या छूट है? ठीक है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में अपेक्षित संशोधन को लेकर के लगभग सभी खबरों ने निकाला है कि विशिष्ट शिक्षक में संशोधन होना ही चाहिए, और हम भी कहेंगे कि संशोधन निश्चित तौर ही होना चाहिए। आगे बात करें फ्रेंड्स, कि अगर हम कुछ और देखें उस
नई नियमावली के तहत वेतन एरियर को लेकर के खास करके हम देखें तो वेतन एरियर जो है अब एरियर के रूप में डीपी जो मधुबनी का है और 15% जो भोजपुर का है और 4% और 46 से 50% ऐसा एरियर तो बहुत जगह भुगतान बाकी है, लेकिन होगा भुगतान और इस सप्ताह में उम्मीद करिए कि वेतन और एरियर दोनों भुगतान होंगे। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट में आप बने रहे, इसके लिए थैंक्स। वीडियो में हेल्पफुल लगा लाइक शेयर कमेंट करिएगा और फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमारे चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, 54,000 यूट्यूब प्लस फैमिली के आप सदस्य बनेंगे, मैं खुशी महसूस करूँगा। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।